हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सर श्रीवास्तव सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से। आज वीडियो में आप देखेंगे पास्ट में थर्ड सब टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियोस में। इस वीडियो में आप जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है और कैसे ट्रांसलेट करते हैं इससे रिलेटेड वाक्यों को, सेंटेंसेस को। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं सभी टेंस की अपनी पहचान होती है, इसकी भी पहचान है। देख लीजिए क्या होती है पहचान। आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सेम वैसा ही है पास्ट परफेक्ट टेंस, कुछ चेंज नहीं है उसमें। कार्य वर्तमान में होता है और इसमें भूत में होता है, बस यही डिफरेंस है। तो वहाँ पे आपको पहचान मिलती थी चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, किया है, इस तरह के शब्द आते थे। और यहाँ आपको हाय की जगह था मिल जाएगा, थी मिल जाएगा, थे मिल जाएगा, बस यही डिफरेंस है। तो क्या हो जाएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, इत्यादि। एक सिंगल लाइन में मैं लिखे दे रहा हूँ, ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं। तो ये आपकी पहचान हो गई। इसके बाद देखिए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, मेन वर्ब की प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कौन सी फॉर्म लगती थी, थर्ड फॉर्म। और यहाँ भी कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, या शॉर्ट में लिख दिया हमने हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है हैड। वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, मैं साथ साथ इसलिए कंपेयर करता रहता हूँ ताकि आपको याद भी आता रहे कि क्या डिफरेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज, हैव का यूज़ करते थे, यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, हैड का, सिर्फ हैड का। यानी कि कोई भी करता हो, कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन का हो, सेकेंड पर्सन का हो, या थर्ड पर्सन का हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ आपको हैड का ही यूज़ करना है। यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे वाक्यों को पढ़कर आपको ये लगेगा कि कार्य पूर्ण हो चुका है और काफ़ी पहले पूर्ण हो चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट जब आप पढ़ते थे तो लगता था अभी हाल ही में कोई कार्य पूरा हुआ है, समाप्त हुआ है। यहाँ पर आपको ये लगेगा कार्य काफ़ी पहले पूरा हो चुका था, ठीक है, आपको वाक्य पढ़कर ये पता चलेगा। तो आगे देखिए, अगर वाक्य अफर्मेटिव हो तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होगा तो आप वाक्य कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, हैड, हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या है, हैड है, हेल्पिंग वर्ब ही लगाते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब दी होती है किसी टेंस में तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, यहाँ पर हैड दी है तो हैड का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हमने पहले ही बताया, और फिर अदर वर्ड्स लिखेंगे, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसा लिखा है वह स्कूल जा चुका, क्योंकि आप पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, वह स्कूल जा चुका था। तो देखिए चुका था आया है, मैंने अभी आपको पहचान बताई थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, इस तरीके के शब्द आएंगे। तो यहाँ पे चुका था आया, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। वाक्य कैसा है, सकारात्मक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, कार्य का होना पाया जा रहा है, इसलिए
अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो इस तरह से वाक्य को हम ट्रांसलेट करेंगे, इस क्रम में शब्दों को रखेंगे। सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह क्या रख देंगे ही के बाद हैड, क्योंकि सबके साथ हैड का ही प्रयोग किया जाता है, यहाँ कोई डाउट नहीं है, एक ही हेल्पिंग वर्ब दिया ही हैड। और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन होती है, और टू स्कूल। इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। इसके बाद देखिए निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में केवल नेवर आ जाएगा, हैड नेवर हो या नॉट हो, जो भी दिया हो, अगर नहीं दिया हो तब के लिए मैं रिस्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर वर्ड और फिर फुल स्टॉप। तो देखिए एग्जांपल, तुम घर नहीं गए थे, तुम घर नहीं गए थे, ये वाक्य लिखा हुआ है, तुम घर नहीं गए थे। तो देखिए ये थे, लिया था दिया था, ये भी एक प्रकार है, वहाँ पहचान में नहीं लिखा था इसलिए इत्यादि लिखा होता है, अगर कहीं कुछ छूट जाए तो तुम घर नहीं गए थे, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस है और नकारात्मक वाक्य है, तो इसलिए हम इसको इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। क्या लिखेंगे, यू, फिर हैड, फिर लिखेंगे नॉट, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म होम। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे। इसके बाद देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको पता है दो तरह के होते हैं, इसलिए दो स्ट्रक्चर में लिखूंगा, ए टाइप और बी टाइप। पिछले सारे टेंस में मैं बता चुका हूँ, वही प्रकार है इसमें भी, एक जिनकी शुरुआत क्या से होती है और एक जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, तो क्या से शुरू होने वाले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए जाते हैं इंग्लिश में। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, हैड है, फिर लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स और फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसमें सबसे पहले हम WH लिखते हैं, इस तरह के वाक्यों के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, उसी की क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश से ही हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय उसी का प्रयोग करके वाक्य को शुरू करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लिखते हैं और फिर पूरा ए टाइप वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए ए टाइप का, क्या तुम बाजार गए थे, ये वाक्य लिखा हुआ है, जैसे क्या तुम बाजार गए थे, तो देखिए ये क्या से शुरू हुआ है, वाक्य के अंत में पास्ट परफेक्ट की आपको पहचान मिल रही है, इसका मतलब ये पास्ट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव ए टाइप सेंटेंस है। तो कैसे बनाएंगे हम, इस तरह से बनाएंगे, क्या लिखेंगे हम, हैड यू गॉन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टू मार्केट। इस तरह से हम इंटरोगेटिव ए टाइप सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। बी टाइप देख लीजिए, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ज़्यादा नीचे लिख नहीं पाऊँगा। देखिए बी टाइप का, देखिए तुमने अपना
गृह कार्य क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया था? ठीक है, ये मैंने इंटरोगेटिव निगेटिव बी टाइप बता दिया, क्योंकि इंटरोगेटिव निगेटिव मैं अलग नहीं बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी उन्हें नहीं बताया था, इसे मैं बता दे रहा हूँ। इसमें आपको अभी कंडीशनल सेंटेंस भी बताना है, जिसमें आफ्टर और बिफोर के प्रयोग से जो पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य बनते हैं उनको कैसे बनाया जाता है, ये अभी इसी वीडियो में मैं बताऊँगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप बराबर वही पढ़ते आ रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में कोई विशेष डिफरेंस है नहीं, सेम वैसा ही है। तो देखिए, तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया था? तो देखिए यहाँ पर क्यों आया है, तो ये कैसा है, बी टाइप का है। नहीं आया तो नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, बाकी कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वाई, फिर क्या लिखेंगे, हैड, इसी सीरियल से लिखते जाइए, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यू, फिर क्या लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको नॉट लगाना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आपको नॉट का प्रयोग करना है। वाई हैड यू नॉट, अब करना, किया तो कंप्लीटेड लिख दीजिए, डन लिख दीजिए, फिनिश्ड लिख दीजिए, जो भी लिखना चाहें वैसे डन लिख दीजिए, क्योंकि किया लिखा हुआ है। नॉट डन, अपना, अपना यहाँ इसके अनुसार लगेगा तुम के अनुसार, और तुम का पजेसिव केस क्या होता है, योर, तुम का पजेसिव, यू का पजेसिव केस क्या होता है, योर, क्या लिखेंगे, योर होमवर्क, होमवर्क, इसी में लिखे दे रहा हूँ मैं, होमवर्क। ठीक है, इस तरह से आप हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट कर ले। जहाँ पर दो घटनाएँ घटित होती हैं, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए कुछ अलग नियम हैं, जिसमें पहली घटना जो पहले घटित होती है उसको पास्ट परफेक्ट टेंस से, और जो दूसरी घटना घटित होती है उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायता से हम बनाते हैं। तो देखिए क्या रूल्स हैं इसके। देखिए, जो काम पहले होगा, पहले होने वाले कार्य को हम पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे, पहले होने वाले कार्य को पास्ट परफेक्ट टेंस से, परफेक्ट टेंस से, ठीक है। इसके बाद तथा बाद में होने वाले कार्य को पास्ट इनडेफिनिट टेंस, इनडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। ठीक, बनाते हैं। एक चीज़ तो मैंने ये लिख दी। इसके बाद देखिए, अगर वाक्य में पहले या पूर्व आया है तो हम वाक्य की शुरुआत पास्ट परफेक्ट टेंस से, पास्ट परफेक्ट टेंस से करेंगे। ठीक है, और अगर बाद या पश्चात आया है, या पश्चात आया है, तो वाक्य की शुरुआत हम पास्ट इनडेफिनिट से करेंगे, इनडेफिनिट से करेंगे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़, जो काम पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे, जो काम बाद में होगा उसको आपको पास्ट इनडेफिनिट टेंस से बनाना है। और अगर वाक्य में पहले आया है तो वाक्य को, वाक्य में पास्ट इन परफेक्ट टेंस जो होगा वो हम पहले लिखेंगे, और अगर बाद आया है तो बाद में लिखेंगे, ये ध्यान रखिए। अगर पहले आया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस पहले, अगर बाद आया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस बाद,
अगर बाद में जब पास्ट परफेक्ट टेंस लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? पास्ट इनडेफिनिट, पास्ट इनडेफिनिट, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए वाक्य अफर्मेटिव। अब सबके एग्जांपल एक एक में बता दे रहा हूँ, सभी के एक एक एग्जांपल मैं बताऊँगा, स्ट्रक्चर नहीं लिखूँगा क्योंकि स्ट्रक्चर आप पास्ट परफेक्ट का और पास्ट इनडेफिनिट का दोनों का पढ़ चुके हैं। पास्ट इनडेफिनिट में आपने स्ट्रक्चर पास्ट इनडेफिनिट का पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट में इसी वीडियो में आपने पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा। देखिए पहला वाक्य देखिए, एग्जांपल डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये एक वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है। दो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक डॉक्टर का आना और एक मरीज का मरना, दो कार्य हो रहे हैं वाक्य में, ठीक है। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम ये पहले कर रहा है, सीक्वेंस में घटनाएं हैं, एक के बाद दूसरी घटना है, ठीक। दो घटनाओं को जोड़ने का कार्य यहाँ पर पहले कर रहा है, चूँकि सिक्वेंस में है इसलिए पहले आया है। एक काम पहले हुआ है, एक काम बाद में हुआ है। तो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो कौन सा काम इसमें पहले हुआ है? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कि मरीज पहले मर चुका था, डॉक्टर बाद में आया। अगर डॉक्टर पहले आया होता तो शायद मरीज को बचा लेता, है ना। इस तरीके के सेंटेंस आप बोलचाल में प्रयोग किए जाते हैं। तो मरीज मर चुका था, ये काम पहले हुआ है, ये घटना पहले घटित हुई है, डॉक्टर का आना बाद में हुआ है। तो यहाँ पर जो काम पहले होता है, मैंने अभी आपको वाक्य में बताया, जो काम पहले होता है उसको आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के रूल्स के हिसाब से बनाना होता है, और जो काम बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स के हिसाब से बनाना होता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें हमें लिखना किसे पहले है, ये तो आप जान गए कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो काम पहले होता है उसके लिए होता है, जो काम बाद में होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट होता है। इसके बाद वाक्य बनाते समय शुरुआत हम किससे करें, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट से भी शुरुआत होती है कई बार पास्ट परफेक्ट से होती है, वो दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं। अगर वाक्य में पहले आया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस को पहले लिखेंगे, अगर बाद आया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस को बाद में लिखेंगे, ठीक। बस यही ध्यान रखना, कुछ नहीं करना। तो मरीज मर चुका था, द पेशेंट had died, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, हो गया इतना सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया। अब पहले के लिए क्या लगाएंगे? बिफोर डॉक्टर, द डॉक्टर केम, ठीक है। द डॉक्टर केम, यहाँ पर इतना पोर्शन किसमें है? पास्ट इनडेफिनिट में, और इतना पोर्शन किसमें है? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और बिफोर इन दोनों को, दो घटनाओं को, एक के बाद दूसरी हुई है, दूसरी से पहले मतलब इस तरह के, इनको जोड़ने का, इनको बताने का कार्य करता है कि एक घटना से पहले दूसरी घटना हुई है या दूसरी घटना से के बाद पहली घटना हुई, इस तरीके के, ठीक है। आफ्टर बिफोर का यूज़ यहाँ पर यही है कि वो समय को बता रहा है कि कौन सा काम पहले हुआ है, ठीक। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो पहले काम मरीज के मरने का हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक। और डॉक्टर बाद में आया है इसलिए लिखेंगे उसको हम पास्ट इनडेफिनिट में, पहले आया है इसलिए हम क्या लिखेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस को पहले लिखेंगे और पास्ट इनडेफिनिट को बाद में लिखेंगे, ये चीज़ क्लियर। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, एक नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में देखिए एग्जांपल, जैसे उसके जाने के बाद मैं
घर नहीं गया था। ठीक है, ये एक वाक्य लिखा हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है, समझ गए होंगे आप लोग। उसके जाने के बाद मैं घर नहीं गया था, उसके जाने के बाद मैं घर नहीं गया था। आई डिड नॉट गो होम आफ्टर ही हैड गॉन आफ्टर ही इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए दो तरह के होते हैं, ए टाइप और बी टाइप, दोनों के एग्जांपल मैं बताऊंगा। क्या तुम्हारे खाने से पहले वह सो गया था। एक वाक्य लिखा हुआ है, खाना खाने से पहले सो गया था। तो इसमें देखिए सोने का कार्य पूछ रहा है, पहले हुआ था तो क्या लिखेंगे, और वाक्य कैसा है, इंटरोगेटिव ए टाइप है, तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें पहले आया है, तो इसलिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पहले लिखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के हिसाब से क्या हो जाएगा, हैड ही स्लेप्ट, हैड ही स्लेप्ट, फिर क्या हो जाएगा, बिफोर, पहले आया तो क्या लगाएंगे, बिफोर, अब तुम्हारा खाना खाने से पहले, बिफोर यू एट द फूड। ठीक, तो इसमें सोने का कार्य पहले हुआ है, इसलिए यहाँ भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसलिए यहाँ पर हेड वाले पोर्शन को यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हमने इंटरोगेटिव वाले पोर्शन यानी कि पहले रखा है, हेल्पिंग वर्ब जो है हेड को बाहर रखा गया है, क्योंकि यहाँ काम कौन सा पहले हो रहा है, पास्ट परफेक्ट वाला। ठीक है, तो इस पोर्शन को पहले लिखेंगे, जिसको पहले लिखेंगे उसी की हेल्पिंग वर्ब हम निकालेंगे बाहर, उसी को इंटरोगेटिव के हिसाब से हम रखेंगे। दूसरा देखिए, जिन वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड आता है बीच में, जिन वाक्यों में कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है क्या होगा, मेरे आने से पहले तुमने खाना क्यों खा लिया था, ये वाक्य लिखा है जैसे। ठीक है, क्यों खा लिया था, ये काम पहले हुआ है, पहले आया वाक्य में, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम पहले लिखेंगे। क्यों खा लिया था, तुमने खाना क्यों खा लिया था, क्या लिखेंगे, वाई हैड यू ईटन द फूड बिफोर आई केम। ठीक है, इस तरह से आप हिंदी वाक्यों को ट्रांसलेट करते हैं। थैंक यू।